वेलकम टू प्रोफेसर बेंजीन, दिस इज़ प्रोफेसर बेंजीन। टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ऑफ क्लास 12 फॉर सीबीएसई एनआईएसई। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सॉल्यूशंस टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1 to 6। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट्स यानी डायमेंशन निकालने हैं। सो 3 NO गैशियस विल गिव N2O गैशियस एंड रेट इज गिवन बाय NO कंसेंट्रेशन। रेट इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन NO पावर 2। सो नाउ गिवन रेट इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर ऑफ 2, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द पावर टू विच द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इज रेस्ड। सो इट्स 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। नाउ डायमेंशंस फॉर के फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स होल स्क्वायर। सो वी सिंप्लीफाइड गेट लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इज H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस विल गिव 2H2O लिक्विड प्लस I3 माइनस। रेट गिवन बाय H2O2 कंसेंट्रेशन एंड I माइनस कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हियर अगेन इज 2, बोथ रेस्ट पावर ऑफ 1, सो 1 प्लस 1 इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 एंड डायमेंशंस अगेन सेम, लीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन CH3CHO गैशियस विल गिव CH4 गैशियस प्लस CO गैशियस। रेट KCH3CHO पावर 3/2, कंसेंट्रेशन इज पावर ऑफ 3/2। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2 एंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 के इज रेट अपॉन कंसेंट्रेशन CH3CHO पावर 3/2 एंड वी पुट द पावर एज 3/2 इन द जनरल एक्सप्रेशन विच इज मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स होल पावर 3/2। वी सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट लीटर माइनस हाफ मोल माइनस हाफ सेकेंड्स इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन C2H5Cl गैशियस विल गिव C2H4 गैशियस प्लस HCl गैशियस। रेट कॉन्स्टेंट, रेट इक्वल्स टू के C2H5Cl कंसेंट्रेशन। रेज पावर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट इज सेकेंड्स इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B विल गिव A2B, द रेट इज गिवन बाय K इक्वल टू कंसेंट्रेशन A एंड B कंसेंट्रेशन स्क्वायर विद K इक्वल टू 2.0 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 6 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A इज 0.1 मोल लीटर इनवर्स एंड B इज 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। सो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, रेट इक्वल्स टू के ए कंसेंट्रेशन बी पावर 2 कंसेंट्रेशन। सो 2.0 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 6 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू 0.1 मोल लीटर इनवर्स इंटू 0.2 मोल लीटर इनवर्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे 8.0 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हेन ए इज रिड्यूस्ड टू 0.1 मोल लीटर मोल पर लीटर 2.06, from 0.1 to 0.06, the concentration of reactant A, so it remains 0.1 into 0.06 equals to 0.04 mole, 0.1 minus 0.06 equal to 0.04 moliter inverse. Therefore, concentration of B reactant is half times because power is 2, so we divide by the stoichiometric coefficient. And because it's 2A, so it becomes half into 0.04 mole liter inverse, which is 0.02 mole liter inverse. Then concentration of B unit is 1, so we multiply by 1 only. 0.2 into 0.02, it is 0.2 minus 0.02 is 0.18 mole liter inverse. So after concentration of A is reduced to 0.06, the rate of reaction is given by K concentration of A and concentration of B is power of 2. So 2.0 into 10 power of minus 6
mole minus 2 liter square second inverse into 0.06 mole liter inverse into 0.8 mole liter inverse whole square. We get 3.89 into 10 power of minus 9 mole liter inverse second inverse. Next question. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What is the rate of the production of N2NH2 if K is 2.5 into 10 power of minus 4 mole inverse liter seconds inverse? So rate of production nikalna of the products. So decomposition of ammonia is follows. Iski equation kya banegi? 2 ammonia gaseous with PT will give N2 gaseous plus 3 H2 gaseous. So therefore rate equal to minus half rate of change of concentration of ammonia equals to positive rate of change of concentration of nitrogen and equal to 1/3 of rate of change of concentration of H2. However, it is given that the reaction is zero order. So for zero order reaction, we have minus half, we put the same values, minus half rate of change of concentration of ammonia equal to rate of change of concentration of nitrogen equal to 1/3 of rate of change of concentration of H2. And the value given is 2.5 into 10 power of minus 4 mole liter inverse second inverse. Therefore, rate of production of ammonia is given by rate of change of concentration of ammonia equals to K, which is 2.5 into 10 power of minus 4. So we simplify and we get rate of change of ammonia concentration is 1.25 into 10 power of minus 4 mole liter inverse second inverse. And the rate of production of H2 is 3 by 2 times, actually is 1/3 of the rate of concentration of it. So it becomes 3 by 2 times, because that was for N2 it was twice of, and for H2 it is 1/3. So it becomes 3 by 2 of K, that is 3.75 into 10 power of minus 4 mole liter inverse seconds inverse. Next question. The decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO, and the reaction rate is followed by given by rate equals to K CH3 CO CH3 power 3 by 2. The rate of the reaction followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of partial pressure of the dimethyl ether, that is as rate equals to K times of pressure of CH3 or CH3 power 3 by 2. If the pressure of the is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constant? Pressure ke terms mein agar lete hain aur pressure ko bar mein aur time ko minute mein kar rahe hain, to phir us case mein rate aur rate constant ke unit kya honge, ye nikalna hai. So we have rate equals to K times of P CH3 O CH3 power 3 by 2 and K equals to rate upon concentration power 3 by 2. Therefore, unit of rate constant K is bar minute inverse upon bar power 3 by 2, which becomes bar power minus half minute inverse. And K equals to rate upon change in concentration power 3 by 2. So therefore, change in pressure power 3 by 2. Therefore, the unit is bar minute inverse power 3 by 2. And we simplify, it becomes bar minus half minute inverse. Next question. Mention the factors that affect the rate of a chemical reaction. Kin factors par chemical reaction ka rate depend karta hai? Ye batana hai. To pehla hai nature of the reactant. The reactant, the rate of the reaction depends upon the nature of the reactant. Example, reaction of ionic compounds are faster than that of the covalent compounds. Then state of reaction, solid reactions are slow reactions, liquid are fast and gaseous are very fast. Then temperature, rate of reaction is largely dependent upon the temperature. It has been observed that for every 10 degree rise in temperature, the increase in reaction is twice, maybe 2 or 3 times. So it is, if RT plus 10, 1 hour change in temperature rise is 2 to 3 times. This ratio is called temperature coefficient. Jitne times increase hua for 10 degree rise in temperature, that's called temperature coefficient.
इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी, हेंस रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ कोलिजन, तो ज़्यादा टकराएंगे मॉलिक्यूल आपस में। जब मूव ज़्यादा होंगे करो, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन हाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, हेंस द रिएक्शन इंक्रीजेज। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फीजिबल रिएक्शन, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी, थ्रेशोल्ड बढ़ गई तो रिएक्शन जल्दी होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम ही होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट बाय फॉर्मिंग एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विद द सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट है उसका काम क्या होता है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि कम एनर्जी मिलने पर रिएक्शन जल्दी होगा, तेज़ होगा। तो इस तरीके से कैटलिस्ट जो है और सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है, इसलिए कैटलिस्ट की वजह से जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। अगर रेट ऑफ द अफेक्टेड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, अगर कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ओके, सो वी हैव रेट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए टू द पावर ऑफ टू बिकॉज इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड वी हैव इक्वल टू के ए स्क्वायर। नाउ इफ वी डबल द कंसेंट्रेशन सो इट बिकम्स टू ए, ए बिकम्स टू ए, नाउ इट बिकम्स फॉर सेकेंड ऑर्डर टू ए स्क्वायर, के रेट इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टू ए स्क्वायर विच इज फोर टाइम्स, सो रेट बिकम्स फोर टाइम्स, फोर आर, रेट इज इंक्रीज बाई फोर टाइम्स। एंड सेकेंड केस, इफ इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, सो इफ इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ दैट मीन्स के ए स्क्वायर बिकम्स के हाफ स्क्वायर विच इज वन बाई फोर, सो इट इज रिड्यूस्ड डाउन टू वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।